दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ड्रैगन बॉल सुपर के ब्रॉली मूवी की बात की स्टोरी है। इस स्टोरी में हमें अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और ब्रॉली की फाइट देखने मिलेगी। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मांगा को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम एक प्लैनेट पे होते हैं जिसका नाम होता है प्लैनेट वैम्पा। इस प्लैनेट पे हम देखते हैं कि ब्रॉली बैठा हुआ होता है एंड ब्रॉली बहुत ही बोर लग रहा होता है एंड वो उसी जानवर के ऊपर बैठा हुआ होता है जिस जानवर को हमने ब्रॉली मूवी में भी देखा था एंड हमने ये भी देखा था कि वो ब्रॉली का बहुत ही अच्छा दोस्त है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली की दोस्त ब्रॉली को बुला रही होती है एंड वो ब्रॉली से बोलती है कि बस सोते मत रहो, मुझे शिकार करने में तुम्हारी मदद चाहिए। पर हम देखते हैं कि ब्रॉली वापस से सो गया है एंड इसके बाद वो दूसरा शख्स बोलता है कि ओके चलेगा, तुम एक ब्रेक ले लो। वो उस फाइट को याद करता है जो कि गॉजिटा एंड ब्रॉली के बीच हुई थी। वो शख्स बोलता है कि शायद तुम थक गए होगे उस लड़ाई के बाद जो कि अर्थ में हुई थी। एंड वो लड़की ये भी बोलती है कि ये दूसरे सेंस की तरह नहीं है, मुझे लगता है कि इसे दूसरे सेंस की तरह फाइट करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली जाग जाता है। ब्रॉली इसलिए जागता है क्योंकि वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू भी ब्रॉली से मिलकर काफी खुश लग रहा होता है। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम कैसे हो? गोकू को वहाँ पर देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं एंड ब्रॉली भी हैरान रह जाता है। सभी को लग रहा होता है कि ये शख्स आखिर कहाँ से आ गया एंड गोकू बोलता है कि मुझे तो अभी तक तुम लोग का नाम भी नहीं पता। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस जानवर को देख के डर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो जानवर गोकू के ऊपर अटैक कर देगा पर ब्रॉली उसे रोक देता है। और आप यहाँ पर गोकू का चेहरा देख सकते हो, गोकू पूरी तरीके से डर गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जानवर भी गोकू का दोस्त बन जाता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली गोकू का नाम देता है एंड वो बोलता है कि सन गोकू। ये सुनने के बाद गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम याद है, तुम्हें मुझे गोकू बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी एक सैयन हो तो तुम मुझे कैकरोट बुला सकते हो। एंड ब्रॉली बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें कैकरोट ही बुलाऊंगा। इसके बाद वो लोग गोकू का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब गोकू यहाँ पर आया था तो गोकू ने उन्हें खाना और रहने के लिए घर दिया था। एंड गोकू बोलता है कि मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारा इंतजाम बुलमा ने किया था। अगर तुम्हें किसी को थैंक्स बोलने की जरूरत है तो तुम बुलमा एंड उसके हस्बैंड वेजिटा से कहो। वेजिटा का नाम सुनते ही ब्रॉली एकदम सीरियस हो जाता है एंड ब्रॉली के अंदर से पावर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ब्रॉली वेजिटा का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है एंड ब्रॉली अपना पावर अप करने लग जाता है। ब्रॉली रेंज में आ जाता है एंड ये देख के गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। गोकू बोलते हैं क्या हुआ ब्रॉली? इसके बाद गोकू ब्रॉली से बोलता है कि क्या तुम उस बात को लेकर गुस्सा हो जो कि किंग वेजिटा ने की थी तुम्हारे साथ? तुम्हारा गुस्सा जायज है बट जब किंग वेजिटा ने ऐसा किया था तब वेजिटा भी तुम्हारी ही उम्र का था तो इसमें वेजिटा की कोई गलती नहीं है एंड वेजिटा ने ये डायरेक्टली नहीं किया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है तो क्या तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते हो? एंड इसके बाद ब्रॉली की दोस्त भी बोलती है कि हाँ ये सही बोल रहा है, इन चीज़ों को तुम्हें अभी अडल्ट की तरह ही हैंडल करना चाहिए ना कि बच्चों की तरह। ये सुनने के बाद ब्रॉली शांत हो जाता है। ब्रॉली इसके बाद बोलता है कि जिसके प्रति मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था एंड इतना ज़्यादा हेट था वो पहले ही मारा जा चुका है, किंग वेजिटा, पर अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्रॉली से बोलता है कि तुम्हारा ताकत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है पर तुम्हारा हार्ट बहुत ही ज़्यादा प्योर है। एंड इसके बाद गोकू ब्रॉली से ये बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलने तो नहीं आया था, क्या तुम मेरे साथ अभी फाइट करोगे ब्रॉली? ये सुनने के बाद ब्रॉली स्माइल करता है। ब्रॉली बोलता है कि तुम बस यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए हो? गोकू बोलता है हाँ मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने आया हूँ और हमारे लास्ट मैच के बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की है। ये बोलने के बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। ये वो मास्टर वाला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है जिसमें गोकू के सारे बाल सिल्वर कलर के हो जाते हैं, ये वो वाला नहीं है। ये वो वाला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है जिसकी मदद से गोकू ने कैफलॉक को हराया था। इस फॉर्म में जाने के बाद ब्रॉली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ब्रॉली को कोई डिफरेंस नहीं समझ आ रहा होता वो क्या नॉर्मल फॉर्म और इसके बीच। इससे पहले कि वो लोग लड़ाई स्टार्ट करते हैं ब्रॉली की दोस्त ब्रॉली को बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर मत लड़ो, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स है, तुम्हारे फाइट की वजह से उन्हें चोट पहुँच सकती है तो तुम वहाँ पर जाके लड़ो, वहाँ पर एक खाली जगह है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली एंड गोकू उस खाली जगह पे पहुँच जाते हैं। गोकू ब्रॉली से बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है जो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ पहली बार यूज़ किया था। एंड ये सुनने के बाद ब्रॉली बोलता है कि मुझे तो कोई भी पावर फील नहीं हो रहा है बट मुझे पता है कि ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद गोकू ब्रॉली से बोलता है कि क्या तुम वापस से ग्रीन कलर हेयर सुपर सैयन में बदल जाओगे, क्या तुम ऐसा फिर से कर सकते हो? ये सुनने के बाद ब्रॉली बोलता है कि हाँ काफ़ी दिनों से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा हूँ जब से हमारी फाइट हुई है पर अभी भी मैं इसको पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया हूँ पर मैं अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ इस फॉर्म को। ये सुनने के बाद गोकू को काफ़ी खुशी होती है एंड गोकू बोलता है कि अब आएगा मज़ा। इसके बाद गोकू बोलता है कि ओप्स हमने आते करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया। ब्रॉली बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली पावर अप करके
गोकू के सामने खड़ा हुआ होता है। एंड अब स्टार्ट होने वाला है गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस ब्रॉली। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली बड़ी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ जाता है एंड ब्रॉली एक जोरदार पंच मारता है गोकू को। गोकू को पंच लगने से पहले गोकू वहां से हट जाता है। ये चीज तो गोकू के लिए बड़ी आसान है क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ये सब करने में माहिर होता है। इसके बाद ब्रॉली गोकू को एक किक मारने की कोशिश करता है, पर गोकू बैक फ्लिप मारता हुआ पीछे चला जाता है। ब्रॉली की तरफ वापस से बढ़ जाता है बड़ी तेजी से। गोकू को अपने तरफ आते देख ब्रॉली एक अटैक बना लेता है एंड उस अटैक को गोकू की तरफ शूट कर देता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डॉच करने में एकदम मास्टर है एंड गोकू वापस से उस अटैक को भी डॉच कर देता है। जैसे ही गोकू उस अटैक को डॉच करता है गोकू ब्रॉली के पीछे पहुंच जाता है। गोकू ब्रॉली के पीछे है, ब्रॉली भी ये चीज को महसूस कर लेता है एंड वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, पर फिर भी वो गोकू को उस अटैक को नहीं रोक पाता एंड गोकू एक जोरदार पंच ब्रॉली को मारता है। पंच को खाने के बाद ब्रॉली थोड़ा दूर खिसका जाता है बट फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है। इन पंच को मारने के बाद गोकू बोलता है कि क्या हुआ ब्रॉली, ये तुम्हारी ताकत की लिमिट नहीं है, इससे भी सारा ताकतवर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली स्माइल करता है और वो बोलता है कि क्या करो, तुम पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो, कम से कम उस दिन से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था एंड मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए अभी कोई शब्द ही नहीं है। ये बोलने के बाद ब्रॉली पावर अप करने लग जाता है, उसके मसल फूलने लग जाते हैं। इसे देख के गोकू भी थोड़ा हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ब्रॉली का पावर फिर से बढ़ गया। जैसे कि आप सभी को पता है ब्रॉली एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और लेजेंडरी सुपर सैयन होने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी उसकी ताकत बढ़ती रहती है। बहुत जल्दी वो सामने वाले की ताकत को मैच कर लेता है। इसके बाद ब्रॉली बड़ी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ जाता है बट गोकू फिर से ब्रॉली को टॉच कर देता है। पर एनीमे में ऐसा यूज होता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तो मजा ही आ गया होता। सोचो इंस्टेड ऑफ गोजीटा अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आता तो शायद और भी मजा आता। जैसे ही गोकू ब्रॉली के अटैक से बचता है हम देखते हैं कि ब्रॉली अपना एल्बो मार देता है गोकू को, पर गोकू उस अटैक को डिफेंड करने के लिए अपने दो हाथ आगे बढ़ा देता है, उस अटैक को डिफेंड कर देता है। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छे ब्रॉली, अभी मजा आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली एक और पंच मारता है गोकू को एंड उस पंच को गोकू रोक देता है। और इसके बाद ब्रॉली एक और पंच मारता है एंड गोकू बड़ी मुश्किल से ब्रॉली के अटैक को रोक पा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली एक किक मार देता है एंड ये किक गोकू को लग भी जाता है। इसके बाद ब्रॉली एक पावर अटैक कर देता है गोकू के ऊपर एंड गोकू अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। इसी पावर अटैक गोकू तक पहुंचता है हम देखते हैं कि गोकू उठ जाता है एंड उस अटैक से बचने के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फिर से यूज करता है। एंड हम देखते हैं कि जिस जगह पर गोकू था उस जगह पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू को ये अटैक लग गया है, पर इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। आप उसकी आंखों को देख के पता लगा सकते हो। एंड हम देखते हैं कि गोकू का पंच ब्रॉली को लग चुका है एंड गोकू बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मैंने अभी तक कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज नहीं किया फिर भी मैं तुम्हें हिट कर पा रहा हूँ। एंड इसके बाद गोकू बोलता है कि ये बार मेरी बारी। इसके बाद वो ब्रॉली को एक जोरदार पंच मारता है। ब्रॉली कुछ भी नहीं कर पा रहा होता गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू लातों की बौछार कर देता है ब्रॉली के ऊपर। हम देखते हैं कि ब्रॉली के मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्रॉली के तुरंत पास आ जाता है एंड गोकू बोलता है कि ब्रॉली क्या तुम ठीक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्रॉली के ऊपर मुक्कों की बौछार कर देता है, बिल्कुल उस तरह जैसे जिरिन ने किया था, वही अटैक गोकू ब्रॉली के ऊपर कर देता है। ब्रॉली एक भी पंच को नहीं रोक पा रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक जोरदार किक मारता है ब्रॉली के मुंह पे, पर इतना जोरदार किक खाने के बाद भी ब्रॉली जमीन पे नहीं गिरता एंड ब्रॉली को इसके बाद गुस्सा आने लग जाता है एंड ब्रॉली पावर अप करने लग जाता है, जिसे देख के गोकू भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड गोकू बोलता है ये तो बिल्कुल पिछले बार जैसा हुआ था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, गुड बाय, थैंक यू।